नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार जिंदल। बातचीत भी डॉक्टर अरुण जिंदल के आज के सेशन में बात करूंगा बैक केयर के बारे में। क्या है बैक केयर, चलिए चलते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में और देखते हैं कैसे देनी है बैक केयर। चलिए बैक केयर को समझने से पहले समझाता हूँ क्यों जरूरी है बैक केयर। कोई पेशेंट जो आपके हॉस्पिटल में बहुत दिनों से रह रहा है, बहुत पतला है हाथ, बहुत मोटा है, या फिर उसकी कोई सर्जरी हुई है जो अपने बेड से नीचे नहीं जा सकता, उसके कारण से क्या होगा कि वो कंटिन्यूस एक पोजीशन में सो रहा है और सोने के कारण से जो उसका सर्कुलेशन है बैक का, ब्लड सर्कुलेशन, वो कई बार रुक जाता है। जैसा मैंने पिछली अपनी वीडियोस में आपको बताया था, जब मैंने कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में बात करी थी, जब पेशेंट प्रोन पोजीशन में सो रहा होता है तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अब इस ब्लड सर्कुलेशन रुकने के कारण से वहां पर किसी भी तरह का वुंड होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहां पर सर्कुलेशन नहीं हो रहा। इसको कहते हैं हम डक्यूबिटस अल्सर और बेड सोर। इस बेड सोर और डक्यूबिटस अल्सर से बचने के लिए हमें बैक केयर देनी पड़ेगी। तो बैक केयर देने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि किस पेशेंट को ये बैक केयर जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत पतला पेशेंट है तो उसके कारण से उसकी स्किन बहुत जल्दी बेडशीट से फ्रिक्शन करेगी और फ्रिक्शन के कारण से उसकी जो स्किन है वहां पर डक्यूबिटस अल्सर होने के चांसेस है। सेम एग्जांपल इफ द पेशेंट इज वेरी फैटी, अगर बहुत मोटा पेशेंट है, वो अपने आप को हिला डुला नहीं सकता, उसके कारण से वो एक ही पोजिशन में, उसके कारण से भी बेड सोर होने के चांसेस है। पेशेंट अगर बेड में लगातार सो रहा है क्योंकि उसकी सर्जरी हुई है और वो यूरिन और फीसिस वहां पर ही पास कर रहा है, जिसके कारण से वहां मॉइस्चर हो जाएगा और मॉइस्चर होने के कारण से फिर से वहां पर पेशेंट की स्किन को बेड सोर होने के चांसेस हैं। आइए बताता हूं बेड सोर बैक केयर है क्या। बैक केयर को समझने से पहले मैं आपको समझाता हूं क्या क्या आर्टिकल चाहिए। एक ट्रे में आपको कॉटन स्वैप्स चाहिए अगर जरूरत पड़ेगी, आपको टॉल चाहिए जिससे कि आप पेशेंट के बैक को साफ कर सको, आपको टैल्कम पाउडर चाहिए और कोई भी इमोलिएंट चाहिए जिससे कि आप पेशेंट को बैक मसाज दोगे। आइए देखते हैं बैक मसाज कैसे देनी है और बैक केयर कैसे देनी है। शुरू करते हैं बैक केयर प्रोसीजर। पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर पेशेंट को प्रोन पोजीशन दे रखी है। आप साइडलाइन पोजीशन भी दे सकते हैं, पर आपको याद रखना है कि अगर पेशेंट कि चेस्ट की किसी तरह की सर्जरी हुई है तो आपको पेशेंट की सर्जरी को ध्यान रखते हुए पोजीशन देनी है, अन्यथा पेशेंट को दिक्कत आएगी। ध्यान रखें प्राइवेसी का बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर प्राइवेसी पेशेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का जो ड्रेस है आपने ओपन कर दिया, गाउन मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है, मैं उसकी बैक को अच्छी तरह से विजुलाइज कर सकता हूँ। पेशेंट की बैक पर किसी तरह की रेडनेस तो नहीं है, किसी तरह की टेंडरनेस तो नहीं है, वो मुझे बताएगी कि पेशेंट की अगर बैक पर टेंडरनेस है, रेडनेस है, तो पेशेंट बहुत जल्दी उसको डक्यूबिटस अल्सर होने के चांसेस हैं। तो इसलिए इस पेशेंट की केयर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले मुझे अपनी रिस्ट वॉच उतारनी पड़ेगी, मैं अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगा लेता हूं जिससे कि माय हैंड इज क्लीन नाउ। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन मैंने दे दी है, मैंने एक टॉवल नीचे लगा दिए जिससे कि मैं जो भी लिनिन है, बेड लिनिन है, वो प्रिवेंट हो सके। अब मुझे कोई भी इमोलिएंट लेना है या किसी भी तरह का टैल्कम पाउडर लेना है जिससे कि मैं पेशेंट की बैक पर मसाज देने वाला हूं। मैंने टैल्कम पाउडर ले लिया और मैं इसको पेशेंट की बैक पर अप्लाई करता हूं। अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, पहला तरीका बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप पट्टी साफ। इन दिस स्टेप यू गिव द रोलिंग मसाज टू द पेशेंट फ्रॉम अप टू डाउन एंड डीपर, सो पेशेंट सर्कुलेशन में इंप्रूव। You are going from up to down and in a circulatory movement and you are giving the pressure towards the downwards. Second step is percussive step. For percussive step, what you should do it, with your hand you should make the cup. Coupling of your hand with this, you give the massage to the patient by this or
With the cupping hand and with your fingertips, you try to give the stimulation to the patient. By this, the circulation will improve. How you will do it? You make the cup hand and with your finger and with your cup hand, you give the massage to the patient in this movement. So by this, the circulation of the patient is stimulated and the circulation will improve. Lifting technique. In this technique, you make your hand in a lobster shape technique. How you do it? Your hand, your finger will be attached and this thumb will be outside. So by this, you give the lobster claw shape hand. By this, you give the massage to the patient. How you give? Your thumbs are outside and your fingers are together. By this, you try to give the massage to the patient. By this, again, you try to stimulate and you try to lift the skin of the patient. By this, the circulation of the patient will. Fourth technique is the fanning technique. By this, your fingers and thumb will become like a fan. Like this. By this, you give the massage to the patient and you, how you give it? You give from up to down and down to up. You are not going to give the pressure downwards. You are going to give the pressure towards the feet. How you do it? एक बार फिर से इस स्टेप को दिखा रहा हूं मैं आपको. You had made the finger in a fanning position and you have gone from up to down. My thumb is beside the vertebra, है ना, till the bottom and from bottom to up. Fifth step, twisting. Your right hand farthest to the patient and your left hand near to the patient. This is the vertebra, one hand away from the vertebra, one hand near to the vertebra. And how you give the rolling movement to the patient. And this again will improve the blood circulation to the skin. So these are the five steps I ask you to follow when you give the back ear to the patient. Fifth step is over now. Now your back ear is over. You can give now quick massage to whole back. By this, your back ear is over. Now take the towel, the remaining emollients or talcum powder to be removed from the patient's back. Dress up the patient, gown to be tied up. And give the comfortable position to the. मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ इसके स्टेप्स. पहला था पट्टी साथ, उसमें आपने रोलिंग और प्रेशरिंग मूवमेंट दिया था. बाय दिस यू आर ट्राइंग टू एनहांस द सर्कुलेशन. सेकेंड स्टेप था आपका परकसिव स्ट्रोक्स. बाय दिस यू हैव मेड द हैंड कप इन पोजिशन. ऐसे आपने हैंड बनाए थे और इनसे और आपके फिंगर टिप से आपने स्ट्रोक देने की कोशिश की थी और स्टिमुलेट करने की कोशिश की थी, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ था. तीसरा स्टेप था मसल्स लिफ्टिंग. आपने क्या किया था, अपने हैंड को लॉबस्टर क्लॉ शेप में बनाया था इस तरह से, और आपका ये जो थंब था वो बाहर की तरफ था. बाय दिस अगेन यू वाज ट्राइंग टू गिव द मसाज टू द पेशेंट, और उससे क्या कर रहे थे, आप ट्विस्ट कर रहे थे ऊपर की तरफ, और उस ट्विस्टिंग इफेक्ट से अगेन यू वाज ट्राइंग टू इंप्रूव द सर्कुलेशन. चौथा स्टेप था वो द फैनिंग. आपने अपने हाथ की सारी उंगलियों को पंखे की तरह खोल दिया था, फैन की तरह, और उससे आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ मसाज दे रहे थे, जिससे कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहे थे. और लास्ट स्टेप अगर आपको याद हो तो वो ट्विस्टिंग इफेक्ट था. आपने अपना एक हाथ वर्टिब्रा के अपोजिट दूसरी डायरेक्शन रखा था और एक हाथ अपने अपने नियर रखा था, और बाय दिस यू आर गिविंग द सर्कुलेटरी मूवमेंट फ्रॉम डाउन टू अप और अप टू डाउन. उससे आप सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे. लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और ये आप इससे आप अपने पेशेंट का और अपने परिवार में, आपके परिवार में अगर कोई किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप बैक केयर देके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें.